नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ऐसी औरत के साथ शादी कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है और आप कुछ ही दिनों में पैसे वाले इंसान बन जाओगे, यानी कि आप करोड़पति इंसान भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस आज के वीडियो को आखिर तक देखते रहना और जान लेना कि कृष्ण भगवान ने किस औरत के बारे में जिक्र किया है, यानी कि कैसी औरतों के बारे में हमें बताने की कोशिश की है कि सौभाग्यशाली औरत कौन सी होती है। उस औरत के बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो पास घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, कृष्ण भगवान ने औरतों के बारे में हमें जानकारी दी है कि कई ऐसे प्रकार की औरतें होती हैं जो घर को स्वर्ग बनाने का काम करती हैं। वैसे भी दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों और चाणक्य नीति के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि औरत को देवी मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी ने भी औरत के बारे में कई ऐसे गुण, यानी कि औरत के कुछ ऐसे लक्षणों का जिक्र किया है जिससे औरत के गुणकारी होने का हमें पता चलता है। और चाणक्य नीति के अंदर भी औरत के कई ऐसे स्वरूपों का जिक्र किया गया है कि जिसे औरत को भाग्यशाली बनाने की ओर इशारा किया गया है। उसी के माध्यम से आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई बातों का आज किस वीडियो में आपको उच्चारण करके बताएंगे कि औरत में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, औरत के अंदर कौन कौन से गुण भरे होते हैं और कौन से औरत के अच्छे गुण होते हैं। आज हम औरत के अच्छे गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो औरत में इतने अच्छे गुण होते हैं कि हम आपको वीडियो के अंदर बयान नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज हम औरत के कुछ ऐसे शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं जो अच्छे गुण हैं। दोस्तों, औरतों में सबसे अच्छा गुण होता है औरत का स्वभाव। अगर आप अच्छे स्वभाव वाली औरत के साथ शादी कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। जिस औरत को बोलने की तमीज होती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा बोलने वाली औरत से अगर आप विवाह संपन्न करवा लेते हैं तो आपके किस्मत में ऐसी लक्ष्मी आएगी कि आपकी गरीबी आपके घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि औरत का अच्छा बोलना ही घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो औरत अच्छे घर गृहस्थी वाली होती है, जिस औरत के अंदर प्यार मोहब्बत का गुण होता है, जो औरत अपने और पराए में फर्क समझती है, वो औरत घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है। ऐसी औरत जिस भी घर में होती है, जिस भी घर में वह औरत बहू बनकर जाती है, वो घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, औरत के अंदर गृहस्थी यानी कि गृहिणी का जो गुण होता है वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति का होता है। गृहिणी औरत घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है। औरत को अच्छी गृहिणी होना बहुत अच्छा होता है और औरत के अंदर यह गुण पाया भी जाना चाहिए। ऐसी औरत घर को स्वर्ग बनाने की ओर कदम बढ़ाती है। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो औरत गुणकारी होती है, जो औरत पतिव्रता होती है, वो औरत घर के लिए घर को एक लक्ष्मी के रूप में मिलती है।
जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में औरत का गुणकारी होना, यानी कि औरत का गैर मर्दों के साथ संबंध ना होना और अपने पतिव्रता होना, यानी कि जो औरत अपने पति को बहुत प्यार करती है, जो औरत अपने पति को अपना सब कुछ मानती है और वो गैर मर्दों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती, बिल्कुल भी गैर मर्दों की बातों को नहीं मानती, ऐसी औरत घर के लिए स्वर्ग बनाने का काम करती है। यानी कि ऐसी औरत नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, चरित्रवान होना औरत के लिए बहुत बड़ा गुण होता है। जो औरत चरित्रहीन होती है वो घर के लिए नरक के समान काम करती है। इसलिए औरत के अंदर चरित्रवान होने का गुण बहुत जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि औरत को चरित्रवान बनकर ही रहना चाहिए। चरित्रवान औरत कहीं पर भी जाती है उसकी हमेशा इज्जत होती है। चरित्रवान औरत को हर जगह पूजनीय माना जाता है। चरित्रवान औरत को हर जगह देवी का रूप माना जाता है। इसलिए औरत को चरित्रवान होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो औरत देवी देवताओं की पूजा करती है, जो औरत भगवान पर विश्वास रखती है, वो औरत भी घर की गरीबी को दूर करने का काम करती है। ऐसी औरत भी नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है। दोस्तों, आप भली भांति जानते ही होंगे कि जिस घर में औरत पूजा पाठ करती है, देवी देवताओं का स्मरण करती है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, क्योंकि वो औरत हर समय देवी देवताओं को अपने घर में बुलाने का काम करती है। जिस घर में देवी देवता अपना कदम रखते हैं वो घर कभी भी गरीब नहीं होता। इसलिए घर की औरत के अंदर देवी देवताओं का पूजन करने वाला यह गुण जरूर होना चाहिए। अगर घर की औरत देवी देवताओं का पूजन नहीं करती, देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखती, तो दोस्तों उस घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता। इसलिए जिस घर की औरत देवी देवताओं का पूजन करती है, विधि विधान से देवी देवताओं का सम्मान करती है, उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती है और वो घर कभी भी गरीब नहीं बनता। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने औरतों के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताया था, जो अगर जिस औरत के अंदर गुण है और वो औरत अगर आपके घर आ जाती है तो आप गरीब से अमीर बन जाएंगे, यानी कि आप रोडपति से करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, चाणक्य नीति के अंदर भी औरतों के इन्हीं गुणों का जिक्र किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी औरतों के इन्हीं गुणों का जिक्र किया है कि अच्छे गुण वाली औरत घर को स्वर्ग बनाने का काम करती है। दोस्तों, अगर आपको यह आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने को मिले और आप अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें और आप अपने ज्ञान के भंडार में हमारे इन वीडियो को देखकर ज्ञान डाल सकें, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आपका ज्ञान बढ़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।